छोले भाई साहब देखने में इतना लजीज लग रहे हैं ना, मतलब चीप वर्सेस एक्सपेंसिव छोले। मैं आपको दिखाऊं इनका जो छोले है ना ये तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं द फूड हंक। सो दोस्तों आज हम ट्राई करने वाले हैं छोले भटूरे। अब दोस्तों ये मत बोलना कि छोले भटूरे मैं कईयों बार ट्राई कर चुका हूं, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों चीप वर्सेस एक्सपेंसिव छोले भटूरे। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाएंगे क्या डिफरेंस रहने वाला है दोनों छोले भटूरे। रोड साइड छोले भटूरे दोस्तों मार्केट से मैंने क्या आया अभी 30 रुपीस की हमें प्लेट दी गई है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास भगत हलवाई के छोले भटूरे दोस्तों इसकी प्राइस है 180 रुपीस। दोस्तों इसकी एक प्लेट में ऐसी तकरीबन 5 प्लेट आ जाएंगी दोस्तों, 5 नहीं सॉरी 6 आ जाएंगे, ठीक है ना, 180 और 30 6 आ जाएंगे होता ना। ओके डन, तो मैक्स थोड़ी हल्की हमारी। तो दोस्तों अभी हम ट्राई करेंगे इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो रेटों में इतना डिफरेंस है। दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाने वाला है आज। चलिए अब इन दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले करते हैं सस्ते वाले से। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्लैक कलर की पॉलिथीन दे रखी है, और यहाँ आ गए दोस्तों हमारे जो है भटूरे, ये देख लीजिए भाई, जूम करा दीजिए इसको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो है भटूरे हैं, काफी सॉफ्ट हैं, फ्लफी हैं, और एक न्यूज़पेपर में रैप करके दिए गए हमें, और यहाँ पे हमें दे रखा है एक दोना जिसमें हमें मिला दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्च है, और थोड़े से ये आलू दे रखे हैं, इधर हमें अचार भी दे रखा है, और इधर हमें प्याज दे रखी है। मतलब भाई काफ़ी सही सेटअप है। और भाई यहाँ आ गए छोले, और भाई साहब तो भाई क्वांटिटी देखो आप भाई, कितने ज़्यादा छोले दे रखे हैं आपको, मात्र 30 रुपये के अंदर में है ना। अभी इनकी प्लेटिंग करेंगे फिर देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं साइड में। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं भगत हलवाई के छोले भटूरे की, ठीक है। यहाँ पे पैकेजिंग काफ़ी सही लग रही है, कपड़े वाला बैग है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे है हमारे पास में भटूरे, क्या बात है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। ये हमें पेपर के अंदर इसके अंदर जो है ये रखे हैं भटूरे, ये आ गए हमारे भटूरे भाई, ये भी काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी है, मतलब बढ़िया है, प्रॉपर होल नहीं है, ट्रायंगल शेप में लग रहे हैं, कोई नहीं खाने से मतलब। और यहाँ पे दे रखा है हमें फॉइल पेपर के अंदर, क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे दे रखे दोस्तों हमें सलाद, प्याज है इसके अंदर, और है खीरे, कोई नहीं ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और भाई यहाँ आती है बात इनके छोलों की, क्या बात है, वन डाइन बाई भगत हलवाई, क्या बात है भाई, यहाँ पे मतलब नहीं, ओ भाई साहब। अब यहाँ इनके छोले देखो, क्या ही बात है भाई, इतने ज़्यादा एकदम, मतलब जो है अच्छा ऊपर ऑयल काफ़ी ज़्यादा है इनमें, अभी ट्राई करेंगे दोस्तों, देखेंगे कैसा इनका जो है टेस्ट होगा, अभी आपको प्रॉपर प्लेटिंग करके दिखाते हैं, ठीक है ना, वीडियो में एंड तक बने ना, मज़ा आएगा आज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रॉपर प्लेटिंग लग चुकी है, यहाँ देखो भाई यहाँ पे 30 रुपये वाले छोले आपको दिखाने वाले, ये देखो भाई इसमें मिर्च वगैरह सब कुछ है, टमाटर वमाटर, और ये इनके छोले भाई साहब देखने में इतना लजीज लग रहे हैं ना, मतलब वेट नहीं करा जा रहा। और आप ये देखो भाई यहाँ पे अचार, आलू, मिर्च, प्याज सब कुछ दे रखा है, और यहाँ पे भाई 180 वालों में सिर्फ सलाद दे रखा है बस, कोई अचार वगैरह नहीं दिया इन लोगों ने। और इनके छोले देख लेते हैं एक बार, ओ भाई साहब क्या ही बात है। अच्छा एक डिफरेंस आपको दिखाऊँ, इनका जो छोले है ना ये काफ़ी बड़े हैं उसके कंपेरिजन में, ठीक है ना, ये बड़ा वाला छोला है, और ये जो होते हैं ना ये मटर वाले छोले टाइप के हैं, ये इनका थोड़ा छोटा छोटा साइज़ भी है, देखो छोटे छोटे साइज़ के हैं इसमें, देखो ये देखो, ठीक है ना, ये प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं हैं। अब ट्राई करते हैं कौन से ज़्यादा बेटर है, ये भाई पहली बाइट लेने आ रहे हैं हम 30 रुपए वाले भटूरों की, रोड साइड स्ट्रीट फूड, ये लगा लिया हमने थोड़े से इस पर छोले, और ये ऊपर से कर दी हमने प्याज की बरसात, हम्म,
क्या बात है, प्रॉपर जो स्पाइसीनेस होती है ना यार, मजा आ गया भाई एकदम। फुल ऑन इनके भटूरे थोड़े से करा रहे हैं, ये ट्राई करते हैं। अच्छा, इनकी और इनकी क्वालिटी ना अलग ही मालूम पड़ रही है। देखो इनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर लग रही है, इनकी थोड़ी वैसी लग रही है। छोले अभी दोनों ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है। भटूरे तो इनके ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ भाई काफ़ी गाड़ी ग्रेवी के साथ में छोले, और फिर से थोड़ी सी प्याज की बरसात। इसमें मिर्च मसाले पता ही नहीं पड़ रहा लिटरली भाई, मतलब बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, नमक भी हल्का सा कम नहीं आ रहा। होता ना एक रेस्टोरेंट में जाके कोजी एक एम्बियंस आपको चाहिए, अमीर वाली फीलिंग चाहिए होती है ना, बस वो ये वाला टाइप का खाना है, ठीक है ना। अगर आप एक प्रॉपर खाने के शौकीन हो, आप एक फूडी हो, तो आपको डेफिनेटली यही वाला पसंद आएगा। भले ही महंगा ही है, लेकिन ये क्या होता है ना, इनके जो रेट होते हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह के हिसाब से होते हैं, मतलब इनका एसी का खर्चा है सब कुछ, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, लड़के वगैरह होते हैं। और भाई मतलब बेटर ही है, लास्ट हम ये कहेंगे बेटर हमें लगा। आपको क्या लगेगा आपको ट्राई कीजिए, हमारा कहना बिल्कुल मत जाइए। दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगर हम चीप वर्सेस एक्सपेंसिव करें तो आप क्या कहते हैं, किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों और भी ऐसी अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।